हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अन एकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहां आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। आप अन एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पर जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पर जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसके लिए आपके पास कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए एक साल या दो साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी है। और आप देखेंगे कि एक साल के पैकेज में सिर्फ आप 6000, एक साल का पैकेज तो 30000 का है, उसमें सिर्फ आप 6000 ऐड करते हो तो आपको मिलता है पूरे दो साल का पैकेज। इतना ही नहीं, स्पेशली ये जो एक साल या दो साल के पैकेज हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो 11th में हैं, जो 12th में हैं, जो नीट यूजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही एडवांटेजियस है। इन एडिशन टू दिस, अगर आप मेरा रेफरल कोड लव10 अपनी स्क्रीन पे नीचे आप देख सकते हैं ये लगाएंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेज हैं लेफ्ट साइड पे। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है, मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ। और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। चलिए, तो आज हम बात करते हैं एक और डिजीज की जिसका नाम है हीमोफीलिया। लास्ट टाइम हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो अब बात करते हैं एक्स लिंक्ड की। एक्स लिंक्ड मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेक्स क्रोमोजोम, जो एक्स क्रोमोजोम है बेसिकली, उससे जुड़ी हुई बातें अब हमको करनी है। जो ऑटोसोम वाली थी वो क्या होंगी, जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं बाकी बॉडी में, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वहां घपला हो रहा है। अब एक्स लिंक्ड में क्या होगा, एक्स यानी सेक्स क्रोमोसोम, यहां पे गड़बड़ हो रही है। ठीक है, हमको ये देखना है। थोड़ी सी चीजें अब यहां पे इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल में थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है। ठीक है ना, मेल में आपने देखा एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। तो क्या दो एक्स होने से कुछ फर्क पड़ेगा या कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा? ठीक है, यही चीज हमको आगे देखनी है। इसीलिए आपको एक्स लिंक्ड का एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं जिसका नाम है हीमोफीलिया। टेक्निकली अगर आप देखोगे तो इसको बोलते हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव का एग्जाम्पल है। अच्छा, रेसेसिव का मतलब डोमिनेंट रेसेसिव तो ठीक है आपने पढ़ा, इन जनरल फॉर्म में अगर आप देखोगे रेसेसिव का क्या मतलब होता है कि वो जीन काम करना बंद कर दिया, है ना, यही तो मतलब होगा, वो जीन काम करना बंद कर दिया एक्स पे, एक्स क्रोमोसोम पे। अगर आप इसको मान लो ये एक्स क्रोमोसोम है, इस पे कोई जीन है, वो काम करना बंद कर दिया तो वो रेसेसिव हो गया, रेसेसिव वाला क्रोमोसोम हो गया, और काम सही कर रहा है, बराबर कर रहा है, तो वो डोमिनेंट वाला रहेगा। ठीक है, ये एक चीज अपने दिमाग में जान लेना तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। अच्छा, हीमोफीलिया में अगर बात किया जाए और, तो आप जाके देखना हीमोफीलिया डिजीज क्या होती है, इसमें छोटा सा भी कट लग जाए। अब आप जाके देखना, आपका होमवर्क है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आपने पढ़े होंगे, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9, जाके देखना। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, दो तरीके के हीमोफीलिया होते हैं जिसमें या तो ये फैक्टर गायब होता है या तो ये फैक्टर गायब होता है। सिंस ये ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर है तो क्या होगा, अगर ये फैक्टर्स गायब हैं तो छोटी सी भी आपको कट लगी है ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। नहीं तो क्या होता है, हमारा ब्लड कहीं चोट लगती है तो कंटिन्यूअसली, ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा खून खाली हो जाता है। ठीक है, क्लॉट करके एक क्लॉट एक प्लग बना देता है ना, जिससे आगे ब्लड नहीं बहता, सील कर देता है। अब मान लो ये क्लॉट ही ना हो तो हीमोफीलिया क्या होती है, क्लॉटिंग डिजीज होती है। इसीलिए इसको दूसरा नाम होता है ब्लीडर्स डिजीज। ब्लीडर्स मतलब खून निकलते जाना, निकलते जाना। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं कुछ बातें जो आपकी बुक कहती है। दिस इज अ सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज विच शोज इज ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी दैट हैज बीन वाइडली स्टडीड। इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, बस थोड़ी देर में आपके समझ में आ जाएगा। और क्या होता है, इसमें एक सिंगल प्रोटीन दैट इज पार्ट ऑफ कैस्केड प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग, वहां पे गड़बड़ होती है। क्या होगा इसके कारण से, सिंपल कट भी विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग और हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर। चलो ये पॉइंट और ये पॉइंट, अभी जब मैं आपको इसका इनहेरिटेंस बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, तब इस पॉइंट पे दोबारा आते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, यह एक काम करता हूं, पहले मैं बता ही देता हूं। देखो इधर बताते हैं, तो दो केस हो सकता है, ये रेसेसिव है, ध्यान रखना रेसेसिव। तो एक्स क्रोमोजोम पे
आप समझ गए, एक्स क्रोमोसोम पे कोई जीन प्रेजेंट होगा, एक्स क्रोमोसोम पे कोई जीन प्रेजेंट होगा जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है, उसका हमको अभी दिमाग नहीं लगाना। अब आप समझ गए कि अगर ब्लड क्लॉटिंग ये वाले एक्स एक्स जो क्रोमोसोम है इस पे वो जीन गड़बड़ा जाएगा तो इसको हम एक्स एच लिख देते हैं जो कि रिसेसिव वाला हो गया, ठीक है, एक्स एच डिफेक्टिव हो गया, ये हम जान गए, ठीक है। अब देखो दो केस, पहले फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल में क्या केस हो सकता है, या तो फीमेल नॉर्मल होगी, या एक नॉर्मल होगा एक डिफेक्टिव वाला होगा, या दोनों डिफेक्टिव वाले होंगे, ठीक है ना, यही तीन चीज हो सकती है। अब अगर दोनों नॉर्मल है तो नो डिजीज, नॉर्मल है मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बराबर बराबर बने जा रहे हैं, कोई पंगा ही नहीं जीवन में। एक गड़बड़ हो गया, एक एक्स क्रोमोसोम पे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स वाली चीज गड़बड़ हो गई, लेकिन दूसरा संभाल लेगा, ठीक है, दूसरा संभाल लेगा, तो ऐसे इसमें कोई सिम्टम तो नहीं दिखेगा, लेकिन इसको हम बोलते हैं कैरियर। क्यों कैरियर, क्योंकि एक खतरनाक वाला जीन, एक डिफेक्टिव जीन ये कैरी तो कर रही है, भले इसको सिम्टम नहीं दिख रहा, ठीक है, लेकिन दोनों एक्स एक्स दोनों डिफेक्टिव वाले होंगे तो यस यहां पे डिजीज हो जाएगी, बिल्कुल इसमें तो कोई पंगा नहीं है। अब अगर ऑन दी कॉन्ट्ररी मेल देखोगे, मेल तो मेल में तो क्या होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, दो ही चीज हो सकती है। इस केस में एक्स ठीक है तो नो डिजीज, इस केस में है तो डिजीज, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है, उसमें डिजीज हो गई तो पंगा फंस गया, है ना, तो ये चीज तो आपके समझ में आ गई होगी। तो अब कैरियर क्या है ये भी ध्यान रखना, डिजीज वाली कौन से होंगे वो भी ध्यान रखना। अच्छा अब कहानी देखते हैं, इसको कैरियर क्यों बोला गया, कैरियर वाला एग्जांपल देख लेते हैं पहले तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो ये एक मेल है और कैरियर फीमेल की हम बात कर रहे थे, यानी ये हो गया, तो नॉर्मल मेल हो गई, कैरियर फीमेल हो गई, मेल से क्या क्या चीजें बनेंगी, गैमेट्स बनेंगे, एक एक्स एक वाई, इससे क्या बनेगा, एक एक्स नॉर्मल एक एक्स ये वाला, ठीक है, इसमें तो कोई पंगा नहीं फंस रहा। अब देखो क्या क्या ऑप्शन होंगे, अपना पुनेट स्क्वायर जल्दी से बना देते हैं, ये बना, ये हुआ नॉर्मल वाला, इधर फीमेल लिख देते हैं, ये हुआ डिफेक्टिव वाला, ये एक्स ये वाई, क्या क्या चीज बनी, एक्स 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 एच एक्स वाई, और ये हुआ एक्स एच वाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये फीमेल नॉर्मल हो गई, ये फीमेल भी कैरियर हो गई, आपने देखा, ये मेल नॉर्मल हो गया लेकिन ये वाला मेल इसको डिजीज हो गई, ठीक है, इसको डिजीज हो गई। तो देखो मदर कैरियर थी, मदर में भी कोई सिम्टम नहीं था, फादर में भी कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन मदर ये कैरी कर रही थी जो डिफेक्टिव जीन, इससे सन में पहुंच गया ये, है ना, देखा आपने। चलो तो ये चीज ध्यान रखना, कैरियर का क्या मतलब होता है। अब आप इसमें देखेंगे तो अब आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा, विच शोज इज ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, जो हमने देखा, क्योंकि इस मेल में तो सिर्फ एक ही एक्स एच है, मतलब एक ही एक्स है, और ये गड़बड़ वाला एच अगर फीमेल से आ गया तो मेल से तो वाई जा रहा है, खत्म खेल, डिजीज हो जाएगी उसको, ठीक है, तो याद रखना। अच्छा तो द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज, क्योंकि दोनों के दोनों को जाना है, ठीक है, अब डेफिनेटली ये रेयर होती है, एक तो संभाल लेगा, देख फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक, क्या है मतलब इसका, ये देखो फादर अगर हीमोफिलिक है, ठीक है, मदर नॉर्मल है, तो क्या होगा, क्या क्या इससे, जो मदर से तो एक्स निकलेगा, फादर से एक्स एच आया, तो इस केस में तो कैरियर ही बनेगा ना, आपने देखा कैरियर ही बनेगा। जब तक फादर भी हीमोफिलिक ना हो, फादर हीमोफिलिक है और मदर भी, मदर एटलीस्ट कैरियर हो, जिसके चांसेस थोड़े कम होते हैं, दुनिया में इतने कैरियर्स थोड़े होते हैं, और फादर हीमोफिलिक हो ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम होगा ना, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा रेयर होता है। क्वीन विक्टोरिया जो है उनको है, उनकी फैमिली में ये चल रहा है, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज भी बोली जाती है, ध्यान रखना ये पॉइंट। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लव 10 कोड यूज करके अनअकैडमी से जुड़ो, मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने टेलीग्राम लिंक ऐड कर दिया है अपना।